हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात की जाए गोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ फिल्म के सीक्वल की, जो कि फर्स्ट पार्ट की शानदार कमाई के बाद आफ्टरलाइफ की काफी शानदार कमाई के बाद ग्रीन लाइट की राह पर है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर एंड दिसंबर तक की है। तो अब इस फिल्म के लिए उन्हें जॉन राइट्समैन के बाद दूसरे डायरेक्टर का नाम मिल चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गिल केनन है, जिन्होंने इसके पहले मॉन्स्टर हाउस जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई है। और बात रही जेसन राइट्समैन की, तो वो अब इस फिल्म के सीक्वल को प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा जो फिल्म की पुरानी सारी की सारी कास्टिंग थी, वो भी डेफिनेटली रिटर्न ही आएगी, जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये पार्ट गोस्टबस्टर के यूनिवर्स का एक परफेक्ट बनाया गया सॉफ्ट रिबूट है, या फिर कहूँ कहानी की कंटिन्यूएशन, जिस पर आगे भी फैंस डेफिनेटली इस यूनिवर्स को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। और सोनी अब उसी ट्रैक पर बहुत ही ईमानदारी से चल भी रहा है। बाकी जेसन भी इस फिल्म के साथ एज अ प्रोड्यूसर इसी चीज को ध्यान रखेंगे कि सोनी वाले फिर से कोई भी गड़बड़ी ना कर दे। जिस बारे में ऑब्वियसली आपकी क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।